हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। सब्जेक्ट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड द चैप्टर 5 इज इनहेरिटेंस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक दैट इज यूज ऑफ सुपर, एंड दिस इज पार्ट 3। अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूज ऑफ सुपर में क्या होता है? अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टांस वेरिएबल ऑफ बोथ द सब क्लास एंड सुपर क्लास। तो जो हमारे पास सब क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, वो उसे हम यूज़ करते हैं ताकि जो उसके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो इनिशियलाइज कर सके सुपर क्लास में भी और सब क्लास में भी। द सब क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है यूजेस द कीवर्ड। तो इसमें एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं सुपर, ताकि वो इन्वोक कर सके कंस्ट्रक्टर मेथड ऑफ सुपर क्लास। जो सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर मेथड है उसको भी वो इन्वोक कर सके। कंस्ट्रक्टर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये वही फंक्शन होता है जिसका नेम जो होता है वो क्लास के नेम जैसा होता है, ठीक है। तो ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है जो इस जो कीवर्ड है सुपर, इसको यूज़ करता है। द यूज़ ऑफ कीवर्ड सुपर इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। उसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले सुपर मे ओनली बी यूज विद इन ए सब क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड। तो जो सुपर ये कीवर्ड है, ये सिर्फ जो हमारे पास सब क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड है उसमें ही यूज़ किया जाता है। द कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट अपीयर एज द फर्स्ट स्टेटमेंट विद इन द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। द कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है मस्ट अपीयर एज द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये जब भी हमने कॉल करनी है सुपर कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में, तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है यही होनी चाहिए। द पैरामीटर इन द सुपर सुपर यहाँ पर क्लास आएगा मस्ट मैच द ऑर्डर नहीं कॉल। जब हम जो पैरामीटर होते हैं, जब हम सुपर को कॉल करते हैं, तो उसका जो ऑर्डर है और टाइप ऑफ पैरामीटर है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ। तो अ सब क्लास कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर। जो सब क्लास है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है कंस्ट्रक्टर मेथड को, जो कि सुपर क्लास में डिफाइन किया होता है किस तरह से। ये हमारे पास ये फॉलोइंग फॉर्म है। तो पहले हम सुपर लिखेंगे, फिर उसमें जो भी पैरामीटर लिस्ट में हम अपने जो है पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं उनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई करती है पैरामीटर नीडेड बाय द कंस्ट्रक्टर इन द सुपर क्लास। सुपर क्लास में कौन से कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कौन से चाहिए, तो वो इसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं। और जो सुपर ये फंक्शन है हमारा मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इनसाइड द सब क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जो भी सब क्लास कंस्ट्रक्टर में सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वो सुपर होती है। तो जैसे ये देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है टू इम्प्लीमेंट द वर्किंग ऑफ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, की सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर की वर्किंग कैसे होती है। तो पहले देखो, जैसे हमारे पास क्लास है जिसका नेम क्या है, बॉक्स है। तो उसमें हमारे पास तीन वेरिएबल है, विड्थ हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो तीनों हमारे पास क्या है, प्राइवेट हैं, और ये तीनों क्या है, डबल टाइप के हैं। तो ये तीनों ही प्राइवेट हैं। कंस्ट्रक्ट क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो रेफर टू एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो, हमने कंस्ट्रक्टर लिया है क्योंकि इसका नेम बिल्कुल इसके साथ मैच करता है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो बॉक्स ऑब्जेक्ट, इसमें हमने मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पास करवाया है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को। तो बॉक्स ऑब्जेक्ट हमने पास करवाया है, तो इसमें विड्थ हाइट और डेप्थ इन तीनों को हम ऑब्जेक्ट डॉट की हेल्प से हम इन्हें मतलब कि फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्टर यूज्ड व्हेन ऑल डायमेंशन स्पेसिफाइड। इसमें हमने देखो पैरामीटर पास किए हैं, तीनों डायमेंशंस को हमने स्पेसिफाई किया है, विड्थ हाइट एंड डेप्थ को। और इसमें हमारे पास कोई भी डायमेंशन कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसको हमने माइनस वन के साथ इंडिकेट किया है, तीनों माइनस वन के साथ हमने इनिशियलाइज किए हैं। और हमारे पास एक और है कंस्ट्रक्टर यूज्ड व्हेन क्यूब इज़ क्रिएटेड, जब हमने क्यूब क्रिएट करनी है, क्योंकि
अगर हमारे पास क्या है, देखो विड्थ, हाइट, डेप्थ एंड लेंथ, अगर चारों ही हमारे सेम हो जाएंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यूब की जो है चारों साइड्स वगैरह जो भी होती हैं मतलब सेम होती हैं। तो उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, विड्थ, हाइट और डेप्थ। तो ये हमारे पास फंक्शन था, ये कंस्ट्रक्टर थे चार हमारे पास बॉक्स, ये तीन पैरामीटर वाला मतलब कि एम्प्टी, और इसमें हमारे पास एक लेंथ थी। तो आगे देखते हैं, तो उसके बाद ये सारा प्रोग्राम है कंटिन्यू। उसके बाद देखो क्या है, क्लास, बॉक्स, वेट, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस। तो बॉक्स वेट हमारी जो है वो सब क्लास है और बॉक्स हमारी सुपर क्लास थी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता भी दिया था, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी मैंने आपको। तो इसमें हमारे पास क्या है, बॉक्स वेट जो है वो क्या है, तो वो हमारे पास सब क्लास है और बॉक्स जो है वो सुपर क्लास है। तो एक्सटेंड हम यूज़ करते हैं उनके लिए। उसके बाद तो बॉक्स वेट में क्या हो रहा है, हम एक वेट पैरामीटर सॉरी वेरिएबल यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक क्लोन क्रिएट किया है। तो बॉक्स वेट ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखो ये रहा सबसे पहली, ये देखो बॉक्स वेट इसका कंस्ट्रक्टर है, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। तो इसका जो सब क्लास है उसका ये कंस्ट्रक्टर है। तो उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है, सुपर। तो हम बोल रहे थे कि जो भी सब क्लास होती है उसमें सबसे पहले ये सुपर स्टेटमेंट आती है। तो सुपर ऑब्जेक्ट कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम जो भी सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। तो वेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट वेट। तो कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑल पैरामीटर आर स्पेसिफाइड, तो इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ये था बॉक्स वेट वाला और एक दूसरा ये है जिसमें हमारे पास चारों पैरामीटर हमने यूज़ किए हैं। जैसे ये देखो, इसमें ओनली ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, जितने हमने जो बॉक्स बॉक्स क्लास थी उसमें क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर उतने ही हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। तो हम वही कह रहे थे कि पैरामीटर जो है वो मैच करने चाहिए। जैसे उसमें भी हमारे पास ये देखो ऑब्जेक्ट था, इसमें चार पैरामीटर हैं, इसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है और इसमें हमारे पास टू पैरामीटर है। तो मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ। तो ये देखो, इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, तीन है, क्योंकि अब उसमें चार हो गए, ठीक है, हमने एक और ऐड किया है। तो इसमें हमारे पास एम्प्टी था, इसमें एक सिंगल है, तो उसमें हमारे पास डबल हो जाएंगे क्योंकि उसमें हम सुपर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें हमारे पास एक जो नया हमने यूज़ किया विड्थ वो आ जाएगा। तो उस तीनों को जो कॉल हो रही थी, ऑब्जेक्ट डॉट हाइट, विड्थ और जो हमारे पास था क्या था, हाइट, विड्थ और जो लेंथ थी, ठीक है, तीनों को ये सुपर कॉल करेगा और इसका अपना खुद का क्या है, वेट, वेट ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सुपर में क्या जाएगा, तीनों जो हैं जो उस मतलब कि प्रीवियस हमारी क्लास में थी उन तीनों को ये कॉल करेगा और विड्थ इन्होंने एम ले ली। तो उसी तरह ये हो गया, उसमें तीनों को हमने माइनस वन इनिशियलाइज कर लिया था, ये सुपर उसको कॉल करेगा और यहाँ पर माइनस वन है। तो ये इसमें हमारे पास क्या होगी, देखो सुपर लेंथ वहाँ से वो लेगा और वेट हमारा यहाँ पर है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये सब क्लास का था सारा, जो पहले हमने किया था वो सुपर क्लास का था। तो इस तरह से जो है हम सुपर को कॉल कर सकते हैं, सुपर ये कीवर्ड यूज़ करके। तो उसके बाद हमारी मेन क्लास जो आती है वहाँ पर देखो, तो बॉक्स वेट, तो ये हमारी सब क्लास है सारा, ठीक है। तो हमने ये माई बॉक्स वन टू थ्री, माई क्यूब, माई क्लॉन, ये सारे जो हैं ये किसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हमने सब क्लास के, क्योंकि हमारी सब क्लास का नेम था बॉक्स वेट। तो इसमें देखो सबसे पहले कॉल की जा रही है जिसमें हमारे पास चार हैं, तो ये उसको कॉल की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास ये चार हैं, ये भी उसको कॉल की जाएगी। तो उसके बाद ये सिंपल डिफ़ॉल्ट वाला है, ये दो पैरामीटर वाला, तो यहाँ पर डायरेक्ट उनको कॉल की जा रही है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, माई बॉक्स वन, जो भी माई बॉक्स वन है इसमें चारों हैं उनका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कॉल की जाएगी, तो इन चारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके वो हम आउटपुट में ले आएंगे। वेट ऑफ माई बॉक्स वन, तो वेट जो होगा वेट हम उसको मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह से इन सब की जो है हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसमें माई बॉक्स टू जो है इससे रिलेटेड सारा कुछ हो जाएगा,
इससे रिलेटेड वॉल्यूम निकल जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा मतलब कि मेन इसमें हमने ये बताया कि सुपर कीवर्ड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारा उसके नेक्स्ट का है। तो उसके बाद एक और यूज़ है सुपर का, सेकंड यूज़ ऑफ सुपर। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, तो सेकंड में क्या है, सुपर एक्ट समवट लाइक दिस। तो जैसे दिस हमारे पास पॉइंटर होता था, जैसे मैंने आपको दिस पॉइंटर भी बताया है पहले, तो उसकी तरह रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट दैट क्या छोड़ के, ऑलवेज रेफर टू द सुपर क्लास ऑफ द सब क्लास इन विच इट इज़ यूज। तो ये हमेशा जो है सुपर क्लास को ही रेफर करता है, ठीक है। दिस यूजेज हैज़ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे हम पहले करते थे दिस डॉट जो भी है कोई मेम्बर है या कुछ भी वेरिएबल है या फंक्शन है उसको कॉल करते थे, अब हम सुपर डॉट मेम्बर इसको यूज़ करके उसे कॉल कर सकते हैं। हेयर मेम्बर कैन बी आइदर अ मेथड, मेम्बर जो है वो या तो फंक्शन हो सकता है या फिर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ सुपर इज मोस्ट एप्लीकेबल टू सिचुएशन इन विच मेम्बर नेम ऑफ ए सब क्लास हाइड मेम्बर बाय सेम नेम इन द सुपर क्लास। तो ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास सब क्लास में जो मेम्बर हैं और सुपर क्लास में मेम्बर हैं उनका नेम सेम है बट वो हाइड हो तब। तो जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्लास है ए, तो इसमें हमारे पास ये वेरिएबल लिया है और ये फंक्शन है शो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ए है उसको जो ये वेरिएबल है जो भी इसमें हम लेंगे उसको प्रिंट करवाएगा। उसके बाद क्रिएट अ सब क्लास, तो यहाँ पर हमने सब क्लास क्रिएट की है बी, तो एक्सटेंड ए सुपर क्लास है ये देखो, और बी हमारी सब क्लास है। तो इसमें इसका वेरिएबल लिया, तो देखो ये दोनों सेम है वेयर और वेयर, तो इसमें तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर दिस वेयर हाइड्स द वेयर इन ए, तो जो इसका वेरिएबल है जो इसमें आएगा वो इसको हाइड कर देता है, ठीक है। तो अब हमने जो ये सुपर क्लास है इसके वेरिएबल को अगर कॉल करवानी है तो हम इसके लिए सुपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, देखो क्लास का नेम जैसा बिल्कुल सेम है तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो सुपर डॉट वेयर, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में ही यूज़ कर सकते हैं जो भी सुपर कीवर्ड है, ठीक है। जो सब क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में ही हम ओनली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सुपर डॉट वेयर, अगर हमने सुपर डॉट वेयर किया है तो इक्वल्स टू पी किया है, तो ये अब किसको कॉल करेगा, ये अब इस वेरिएबल को यूज़ करेगा ना कि इस वेरिएबल को। जब भी हम सुपर डॉट जो है किसी और क्लास का, किसी और क्या सुपर क्लास का अगर वेरिएबल और फंक्शन को कॉल करवानी है तो हम इस तरह से करते हैं। अगर वेयर इक्वल्स टू क्यू है, देखो जो ये है ये हमने पी जो है वो इस वेरिएबल का है और क्यू जो है वो इसका है, ठीक है, खुद का इस क्लास का है। तो वाइड शो में क्या किया है हमने, सुपर डॉट शो, यहाँ पर वेरिएबल को कॉल किया इसकी हेल्प से, यहाँ पर हमने जो शो है, क्योंकि ये देखो इसमें भी शो है इसमें भी शो है, ये फंक्शन भी सेम है, तो अगर हमने इसके फंक्शन को कॉल करवानी है तो हम सुपर डॉट शो कर रहे हैं। तो ये जो है क्लास ए के जो मेथड है इसको ए को प्रिंट करवाएगा जो इस वेरिएबल में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कॉल करते हैं। एंड क्लास सेकेंड सुपर, तो ये हमारा जो है मेन क्लास आ गया, मेन क्लास में क्या है बी, तो देखो बी हमारा ये सब क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सब्जेक्ट वन, तो न्यू बी 12 and 34। तो पी हमारे पास क्या है, इसका वेरिएबल है, क्योंकि ये देखो पी क्लास ए का वेरिएबल है और जो क्यू है हमारे पास वो क्लास बी का वेरिएबल है। तो सब वन डॉट शो, तो सब वन डॉट शो में जो ये है इनको प्रिंट करवाएगा। पहले तो हमारे पास सुपर डॉट शो ये एग्जीक्यूट होगी, तो सुपर डॉट शो में क्या है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्लास ए, तो ए आ जाएगा हमारे पास 12, और फिर सेकंड पर जाएगा ये सुपर डॉट वेयर। तो सुपर डॉट वेयर हमारा कहाँ पर है, तो सुपर डॉट वेयर हमारा है ये वाला, तो इसमें हमारे पास ए है फिर से, ठीक है, फिर से 12 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो है वेयर, तो सिंपल वेयर है तो सिंपल वेयर इस वेरिएबल मतलब इस क्लास का वेरिएबल प्रिंट होगा, तो वो क्या था 34। तो पहले 12 आएगा फिर 12 आएगा फिर हमारे पास 34 आउटपुट आएगी जब हम सब वन डॉट शो को कॉल कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें।